आज हम गुरु के नक्षत्र परिवर्तन और राहु के बारे में बात करने वाले हैं। गुरु का नक्षत्र परिवर्तन और राहु का कैसा संबंध, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए, इस समय पर हम बात कर रहे हैं गुरुदेव, और गुरुदेव की राशि कहाँ है, आपकी लग्न में। तो आपकी लग्न में गुरुदेव की राशि है और राशि में बैठे हुए हैं राहुदेव। अब राहुदेव के यहाँ पर बैठे होने का मतलब है, देखिए हम सभी जानते हैं कि राहु का अपना कोई घर नहीं होता है, अपना कोई भाव नहीं होता है। राहुदेव जहाँ बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसके जैसा स्वरूप बना लेते हैं। तो राहुदेव यहाँ पर गुरु की राशि में बैठे हुए थे और गुरुदेव इस समय जो हैं अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। अश्विनी नक्षत्र किसका है, केतु महाराज का है, और केतु महाराज और राह गुरुदेव की बिल्कुल भी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, देखिए केतु भी सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति राक्षस है और उनकी प्रवृत्ति देव है। तो देव और राक्षस की कभी भी नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे के विपरीतक हैं और एक दूसरे से हम शत्रुता तो नहीं कह सकते, क्योंकि देवताओं का स्वभाव ही नहीं है शत्रुता का, परंतु एक दूसरे के इसका आंकड़ा रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मेजर ग्रह जो होते हैं गुरु आपके धन भाव में विराजमान है, जो आपकी लग्न के स्वामी हैं। शनिदेव आपके व्यय भाव में विराजमान है, राहुदेव आपके लग्न में विराजमान है, और केतुदेव विराजमान है आपके सप्तम भाव में। तो ये वो मेजर प्लैनेट्स हैं जो काफ़ी समय तक एक ही जगह पर गोचर करके हमारे जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करते रहते हैं। तो अब इनके सामने से, इनके साथ में, इनकी दृष्टियों से या इन पर दृष्टि डालकर अन्य ग्रह भी गोचर करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें राजयोग या दुर्योगों का सामना करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में कष्ट या सुखों का हमें अनुभव होता रहता है। तो इस समय देखिए, जैसा कि गुरु हमारे इस समय अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जो आपके धन भाव के स्वामी थे, तो इस समय पर आपको धन से जुड़ी हुई पिछले कुछ समय में समस्याएं आई हैं। आपको उतना धन नहीं आ पाया है जितना आपका व्यय हुआ है, क्योंकि शनि की 7.5 और शनिदेव बैठे हुए हैं आपके व्यय भाव में, तो उतने धन का आगमन नहीं हो पाया है जितने आपके व्यय बढ़े हैं। आपके कुछ लोगों से आपके अनबन भी हुई है, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ ऐसे डिसीजन आपने लिए हैं कि जिन डिसीजन आपके गलत साबित हुए हैं, जिनके फलस्वरूप आपको कुटुंबी लोगों से, परिवारिकजनों से, या फिर अपने सौहार्दियों से, व्यापारी मित्रों से, या फिर अपने जो कलीग्स होते हैं उनसे काफ़ी कुछ मनमुटाव की स्थितियां आपकी उत्पन्न हो गई हैं। तो इस समय पर देखिए, शनिदेव की तृतीय दृष्टि भी है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से आपको मिला जुला स्वरूप देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जब आप भारणी नक्षत्र में गुरु का गोचर होगा, तो इन सारी समस्याओं में आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। आपके पास धन आएगा, नियमित आएगा, और उतना आएगा जितनी आपको आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक भी आ सकता है। और राहुदेव ने यहाँ पर बैठ कर आपको क्या बनाया, धैर्यहीन बनाया, आपको पराक्रम विहीन बनाया, आलसी बनाया। ये राहुदेव का मेन स्वभाव क्या होता है, राहुदेव देखिए कलयुग के सम्राट हैं। राहुदेव अगर अच्छे होते हैं तो व्यक्ति को चुस्तीला फुर्तीला बनाते हैं, और जब खराब होते हैं तो व्यक्ति को आलसी बनाते हैं। व्यक्ति के अंदर एक ललक जो होती है ना काम करने की, वो ख़त्म हो जाती है। व्यक्ति के अंदर तीव्र उग्रता बहुत ज़्यादा होती है, कि मतलब अगर उसके मन का नहीं हो रहा है तो बहुत ही जल्दी उसे क्रोध आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ पर जब गुरुदेव का हमारे परिवर्तन होगा, अब जब गुरुदेव की राशि यहाँ पर बनी हुई है, तो राहु यानी कि गुरुदेव के अनुसार ही कार्य करेंगे, तो इन सभी चीज़ों में आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, गुरु के पास भी 3 दृष्टियाँ होती हैं और राहु के पास भी 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं गुरु की राशि में बैठे हुए राहु की। तो राहु की 3 दृष्टियाँ, पंचम दृष्टि जाएगी आपके ज्ञान भाव पर। आपके ज्ञान में जो देखिए, आपकी निर्णय लेने की क्षमता जो थी वो थोड़ी इस समय पर कमज़ोर साबित हुई थी, कि आपने अपने कुटुंबियों से कुछ रिलेशंस को लेकर, कुछ अपने व्यापार को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, पारिवारिक मसलों पर कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जो आपके गलत साबित हुए थे, और कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ये भी मानने लगे थे कि आप के अंदर वो पावर नहीं रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये सब सिर्फ राहु का प्रभाव था। राहु क्या होते हैं, सोच होते हैं आपकी। राहु का, जैसे हम सभी जानते हैं, कोई भाव नहीं होता है, कोई
घर नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता है। राहु जिस तरीके के होते हैं अच्छे होते हैं आपके माइंड में ही, राहु का घर जो होता है आपका माइंड होता है, अच्छे होते हैं उस हिसाब से आपके माइंड को एक्टिवेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, खराब होते हैं उस हिसाब से आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज़ें आपके राहु करते हैं। अब आपके ज्ञान में प्रतियोगी, अगर आप लव रिलेशन में, तो आपके प्रेम संबंधों में सुधार होगा। पिछले कुछ समय से ईगो की समस्या आपके अंदर भी थी, आपके पार्टनर के अंदर भी थी, तो दोनों के अंदर ही ये चीज़ें थी, जिसकी वजह से छुटपुट लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, या मतलब एक दूसरे का सेटिस्फिकेशन नहीं हो पा रहा था। कुछ गलत फहमियाँ थी एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे को लेकर। तो इन सब चीज़ों से यहाँ पर निजात मिलेगा। थोड़ी सी आपको इस समय पर अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना है। बाकी अगर आप पेरेंट हैं मीन राशि के, तो आपके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। एक संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं मीन राशि के, तो आपका पढ़ाई में इस समय पर मन लगेगा। पिछले काफ़ी समय से आपका मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, तो ये सारी स्थितियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। सप्तम दृष्टि जब आपकी जाएगी आपके व्यापार भाव पर, आप पर के दाम्पत्य जीवन पर, तो दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं थी वो सारी समस्याएं दूर होंगी। व्यापार में आपको ऐसी डील, देखिए ये 1-1.5 माह का समय जो है, ये आपका लाइफ चेंजिंग, ये वो समय होगा जिसके बारे में आप आने वाले समय में अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में बताएंगे। चेंजिंग पॉइंट एक आएगा आपके जीवन में, या तो आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है, या फिर आप अगर बिजनेस करते हैं तो कोई ऐसा आपके जीवन में मोड़ आएगा कि आप बिजनेस परिवर्तित करेंगे और वहाँ से आपको बहुत बड़ा अमाउंट लाभ होगा, या आप इनकम का नया सोर्स बना सकते हैं। मतलब आपके जीवन में कुछ बड़ा होना है, बहुत बड़ा होना है, जिसकी सिर्फ आप अपने माइंड में रूपरेखा बनाया करते थे, उसको अब क्रियान्वित करने का समय आ गया है। जीवन साथी से आपके संबंध मधुर होंगे। हाँ, थोड़ा सा आपका जीवन साथी को समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आने वाला समय जो है आपका थोड़ा सा, कहते हैं ना, व्यस्तता भरा होगा, क्योंकि अगर आप कार्य की अधिकता रहेगी आपके पास। सप्तम दृष्टि जाएगी आपके भाग्य भाव पर, तो भाग्य में आपको अचानक की वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि भाग्य आपका एकदम से बेतहाशा उन्नति करेगा। आपको भाग्य की तरफ से बहुत अच्छे संकेत मिलेंगे, आपको हर कदम पे मिले लगेगा। देखिए अड़चनें तो आएंगी, लेकिन उन अड़चनों को दूर करने के लिए यहाँ पर राहुदेव भाग्य प्रतीक कर रहे हैं। अड़चनें आएंगी, बहुत मुश्किलें सा फेस करनी पड़ेंगी अगर आप कोई नया कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ये वो समय है जिस समय आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करके इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। प्रतिद्वंदिता देखिए हर क्षेत्र में है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में यहाँ पर राहुदेव आपको अब पॉजिटिव रिजल्ट ही करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, जब आपके ग्रह अच्छे होते हैं तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होता चला जाता है, और आपके ग्रह अगर खराब होते हैं तो आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अतींद्रिय शक्ति है राहु के पास, राहु और गुरु को बलि करने का उपाय करना चाहिए। देखिए हमेशा मैं बताती हूँ कि बीज मंत्रों के जाप सर्वाधिक, और मेरा अनुभव किया हुआ बहुत सटीक महा उपाय है कि बीज मंत्रों के जाप, जब आप बीज मंत्रों के जाप करते हैं तो ग्रह आपके धीरे धीरे सही होना प्रारंभ कर देते हैं, और जब सही हो जाते हैं उसके बाद वो बलि होना प्रारंभ कर देते हैं। जितना ज़्यादा बल होगा उतना ज़्यादा आपको प्रभाव मिलेगा। तो मैं देखिए किसी को अंधेरे में नहीं रखती, मैंने हमेशा आपको बताया है, जब भी ग्रहों के हम बीज मंत्रों के जाप करते हैं, 3 से 6 माह का समय बीज मंत्र का जाप करते हुए जब हो जाता है आपको, उसके बाद ही इनका प्रभाव दिखाई देता है। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत से लोगों को इसका जाप कराया और स्वयं भी मैं इनका जाप करती हूँ। तो अगर आप इन ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके जीवन में जो है बहुत अच्छे परिवर्तन होंगे, बहुत। तो राहु देव का बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः, गुरुदेव का बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। आप इनका 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी शुभता अनुसार प्रारंभ कर दें। और अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप पूजा वाला एक नारियल लें, उसे 7 बार अपने सिर से एंटी क्लॉक वाइज घुमाएँ और जाकर जल प्रवाह कर दें। आपको राहु के बहुत अच्छे परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। राहु की पोटली जल प्रवाह करें, अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक, यह आप कुछ नहीं कर पाते लेकिन सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं इस समय पर, क्योंकि इससे आपको शनिदेव की 7.5 साथी में भी राहत मिलेगी, शनिदेव की भी उत्तम परिणाम मिलेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।